हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोहम्मद अबीर, योर टेक्निकल एनालिस्ट एट केएसबी सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड। मार्केट की मिड डे एनालिसिस कर लिए, सो मार्केट अगेन जो है अपने उसका सपोर्ट लेवल है 45,000 का एग्जैक्ट, उसको आवर्ली बेसिस पे टेस्ट करने जा रही है और कंटिन्यूशन है डाउन ट्रेंड की। इस वक्त मार्केट के अंदर 153 मिलियन की वॉल्यूम है। अगर हम इस वक्त मार्केट के जो है कॉन्स्टिट्यूंट्स की बात कर लें, मेजोरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट्स आर स्टिल डाउन 82, 13 रिमेन अनचेंज। पॉइंट्स कंट्रीब्यूशन की बात करें तो कोलगेट सिस्टम थोड़े बहुत पॉइंट्स ऐड करें, बट मेजॉरिटी इस वक्त मार्केट के अंदर हमें सेलिंग नज़र आती है। कि MI 30 इंडेक्स की बात कर लें तो तकरीबन 1468 पॉइंट जो है कि MI 30 इंडेक्स डाउन है, 2100 पॉइंट्स नेगेटिव ओपन हुई थी और इस वक्त 80 मिलियन की वॉल्यूम हमारे सामने नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा इस वक्त मार्केट के अंदर मूवमेंट नहीं है, बट टेक्निकली अगर बात कर लें तो 45,000 पे इसकी सपोर्ट नंबर वन है और नेक्स्ट सपोर्ट की बात करें, अगर उसको ब्रीच करता है, उसको ब्रेक करता है इंडेक्स, तो फिर 44,500 तक इंडेक्स जा सकता है। इंडेक्स की रेटिंग की बात कर लें तो आवर्ली बेसिस पे भी हम देख सकते हैं कि डाउनवर्ड कंटिन्यूशन है, और इंडेक्स की रेटिंग की बात कर लें, इंडेक्स की रेटिंग थोड़ी देर पहले ऑब्वियसली 32% तक गई थी, लेकिन अभी अगर हम देखें तो थोड़ा बाउंस बैक करके हमारे पास हायर लोज बना रही है, विच मीन्स कि दोबारा हाई जाती है और फिर लो बनाती है, जिस तरह आप यहाँ पे दो सिनेरियोज में यहाँ पे देख सकते हैं। बट वही बात है कि इंडेक्स जितनी दफ़ा छोटे छोटे टाइम फ्रेम में ओवरसोल्ड होगा, उतनी ही बड़े टाइम फ्रेम में जब मार्केट की सेलिंग होगी और एडजस्टमेंट होगी इंडेक्स की, तो फिर मार्केट अपने नेक्स्ट पॉजिटिव मोमेंटम देख सकेगी। इस वक्त मार्केट के हीट मैप में बात कर लें तो ऑब्वियसली मेजॉरिटी सेलिंग है मार्केट के अंदर आज के दिन। वीकली बेसिस पे अगर बात कर लें कौन से स्क्रिप्ट ऐसे हैं जो फंडामेंटली मुझे अच्छे लग रहे हैं कि आने वाले टाइम में बाउंस बैक कर सकते हैं, तो उसमें टेक्सटाइल कंपोजिट में हम सबसे पहले जाएंगे। उसमें सबसे पहले तीन बड़े नाम हैं, गुल अहमद है, GATM, निशात मिल्स है एंड देन निशात चुनिया। इसके साथ साथ इंटरलूप की अगर हम बात करें तो इंटरलूप भी फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पस के हिसाब से देखना चाह रहे हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट देखना चाह रहे हैं मार्केट के अंदर, तो टेक्सटाइल कंपोजिट, क्योंकि हमें पता है कि आगे आने वाले टाइम में ऑब्वियसली जो है कोशिश है गवर्नमेंट की कि जो एक्सपोर्ट्स हैं उनको बढ़ाया जाए, इनके जो मसले मसाइल हैं वो भी सॉल्व किए जाए, इनके फाइनेंशियल रिजल्ट्स हम देख सकते हैं, टेक्सटाइल सेक्टर्स के जो कंपनीज के रिजल्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आना शुरू हो गए फंडामेंटली। इसका इंशाल्लाह सेक्टर रिव्यू भी बहुत जल्दी दोबारा मैं आपको बनाऊंगा, लेकिन ये कि फंडामेंटली अगर देखा जाए तो इस वक्त ये बहुत अच्छा सेक्टर अवेलेबल है फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। इसी तरह अगर हम बाकी अगर सेक्टर्स की बात कर लें जिनमें लॉन्ग टर्म एक्यूमुलेशन, आप देख सकते हैं ये 1 वीक का चार्ट है, 1 वीक के टाइम फ्रेम में आप देख सकते हैं कि मेजॉरिटी स्क्रिप्ट ऐसे हैं जो ओवरसोल्ड हैं। यूनिटी की अगर हम बात करें तो यूनिटी की भी अभी एक्सपेंशन है, ऑब्वियसली एक्वायरमेंट है, इनकी जो कंपनी है वो एक्सपेंड कर रही है, इन्होंने जाहिर सी बात है और कोलैबोरेशन वगैरह की, तो यूनिटी का जो स्क्रिप्ट है वो भी अभी उसके अंदर काफ़ी लॉन्ग टर्म पोटेंशियल काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है, इसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम इंजीनियरिंग सेक्टर में बात करें तो मुगल, इस वक्त मुगल की भी जो है प्राइस काफ़ी अच्छी हमें नज़र आती है। एक्यूमुलेशन जो है वो कोशिश करें कि जो जितने बड़े स्क्रिप्ट हैं उनकी एक्यूमुलेशन आप करें, जो उनके ऑब्वियसली लोअर रेंज है वहाँ पे वीकली बेसिस पे 11% ओवरबॉट है, तो याद रखिएगा वीक ऑन वीक बेसिस पे इसके अंदर सेलिंग पहले आ सकती है। आगर स्टील बहुत अच्छी एक्यूमुलेशन रेट में अवेलेबल है, आयशा स्टील हम देख सकते हैं, और सबसे बड़ी अगर हम स्क्रिप्ट की बात करें सो दैट इज़ अमरीली स्टील। तो फंडामेंटली ये चार कंपनी ऐसी हैं जिनके अंदर आप लॉन्ग टर्म एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम सीमेंट के सेक्टर की बात करें तो ऑब्वियसली MLCF बीइंग द पायनियर, MLCF के अंदर क्योंकि कंसिडरेबल जो बाकी स्क्रिप्ट हैं उनके हिसाब से काफ़ी चीप प्राइस पे अवेलेबल है, 45.96 रुपीज़ का लेवल टेस्ट करा अपना, ये अच्छी एक्यूमुलेशन रेंज है, लॉन्ग टर्म अगर आप जाना चाहते हैं तो इसके अंदर आप कर सकते हैं। चिराट सीमेंट, मैंने अपने सीमेंट सेक्टर में ये चीज़ मेंशन की थी कि मुझे पर्सनली चिराट सीमेंट की जो इस वक्त वैल्यूएशन है प्राइस टू अर्निंग रेशियो के हिसाब से देखें तो बहुत अंडर वैल्यूड है, तो लॉन्ग टर्म में इसका बहुत अच्छा मोमेंटम है, 300 रुपीज़ तक ये अपना न्यू हिस्टोरिकल हाई बना सकता है। सो फंडामेंटली इन स्क्रिप्ट के अंदर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पायनियर सीमेंट भी काफ़ी अच्छा स्क्रिप्ट है फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लकी ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा चुके हैं, 300 रुपये का था मार्च में, तो ये सिनेरियो। बट मार्केट में इस वक्त जो है ये एक्यूमुलेशन जिस वक्त अवेलेबल है वो लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छी है, लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अभी ये मार्केट जितना डिप लेगी लॉन्ग टर्म के लिए उतना अच्छा प्रॉस्पेक्ट आप लोग के लिए अवेलेबल हो जाएगा। कल ऑब्वियसली आज की जो बोर्ड मीटिंग्स थी उनके जो रिजल्ट्स अगर हम बात करें, सिस्टम्स लिमिटेड टेक्नोलॉजी में अगर लॉन्ग टर्म आप जाना चाहते हैं, सिस्टम जो है बहुत अच्छा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्क्रिप है। अर्निंग पर शेयर हम देख सकते हैं कि
क्वार्टरली बेसिस पे बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है, और एनुअली रिजल्ट इसका जो फिस्कल ईयर 21 का अगर जो हम एक्सपेक्ट करेंगे ईयर एंड का, वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एक्सपेक्ट करेंगे, बिकॉज वी नो कि आगे की जो दुनिया है बेसिकली, आगे की जो इस वक्त मोमेंटम है पाकिस्तान का भी, गवर्नमेंट की कोशिश है वो डिजिटाइज करने की, और टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी जनरेशन में। सो टेक्नोलॉजी के सेक्टर के हिसाब से सिस्टम लिमिटेड में आप लॉन्ग टर्म अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अर्निंग पर शेयर की बात करें, 17.66 रुपीज़ इसकी अर्निंग पर शेयर आई है, जो कि ईयर एंड हुआ है दिसंबर, जो फिस्कल ईयर 2020 अगर हम बात करें तो एनुअली काफ़ी अच्छे इसका रिजल्ट हम देख सकते हैं। इसी तरह दाऊद लॉरेंसपुर की अगर हम बात करें तो एनुअल बेसिस पे 8.66 रुपीज़ अर्निंग पर शेयर, और रफान मेस की अगर की हम बात करें तो एनुअल बेसिस पे 659.80 रुपीज़ पर शेयर जो है इनका आया है। सिस्टम की बात करें तो 3.5 रुपये का इन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया और 10% बोनस अनाउंस किया। तो ये अगेन फंडामेंटली जितनी स्ट्रॉन्ग अच्छी कंपनीज होती हैं, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है अच्छी फंडामेंटल कंपनीज में, वो इसी तरह डिविडेंड्स और बोनस का बैठे बैठाए हकदार बन जाता है। तो इसीलिए ऐसे कंपनीज के अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। कल की अगर हम न्यूज़ की बात कर लें, जो कल की बोर्ड मीटिंग्स हैं वो इसमें है पैको की है, पाकिस्तान इंजीनियरिंग कंपनी डिफॉल्टर हैं, तो इनके भी देखते हैं क्या हिसाब किताब होता है। कल एक और जो वो है बोर्ड मीटिंग है, वो SSGC की है, एंड वो अदर देन फाइनेंशियल रिजल्ट्स की बोर्ड मीटिंग है नॉर्मल। और फिर आता है हमारे पास ग्लैक्सको स्मिथ, इनकी एनुअल अकाउंट्स की क्लोजिंग है कल के दिन। सो रिजल्ट सीजन है, नज़र रखें कि कौन कौन से जो है वो रिजल्ट्स आ रहे हैं कंपनीज पे, शेयर प्राइस पे अफेक्ट कर सकता है। अगेन टेक्निकली मार्केट इज टारगेटिंग द 45,000 इंडेक्स मार्क, और उसके बाद अगर फ्राइडे के दिन कंटिन्यूस सेलिंग दोबारा रहती है तो फिर 44,500 तक मार्केट जा सकती है। सो दिस वाज दी मिड डे एनालिसिस, मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अपने क्लोजिंग एनालिसिस के साथ। दिस इज मोहम्मद अबीर साइनिंग आउट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।